हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। तो आज की वीडियो में बात करूंगा घातक कमांडो क्या है और आप इसमें कैसे जा सकते हैं। ठीक है, एमएलई इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा, थोड़ा ये भी बता दूंगा कि पैरा और घातक में थोड़ा फर्क क्या है। ठीक है दोस्तों, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, प्लस इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचा देना। दोस्तों अब बात हम करते हैं घातक कमांडोज के बारे में। अब घातक कमांडोज दोस्तों एक प्लाटून है जो कि बटालियंस में होती है। ठीक है, जो पैरा रेजिमेंट है उससे काफ़ी अलग है। जैसे आपकी बटालियन से कहने का मतलब है जो इतनी भी रेजिमेंट्स हैं आपकी, इन्फेंट्री रेजिमेंट हैं, जैसे आपकी राजपूत होगी, गिंडेड़ी होगी, महार होगी, लाइट होगी, तो इन सब में क्या बटालियंस होती हैं। जैसे राजपूत रेजिमेंट है, अब इसके अंदर भी समथिंग कितनी बटालियंस होंगी, समथिंग मान के चलो 20-22-23 जितनी भी बटालियन हो सबकी अलग अलग होती है। एक दो राजपूत हो गई, तीन राजपूत होगी, तो हर राजपूत में कुछ ना कुछ बंदे रहते हैं, 700-800 की नफरी रहती है और वो अलग 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 जगह पोस्टिंग रहती है। तो इन सब के अंदर एक मैं कहूँगा प्लाटून होती है, घातक प्लाटून। ठीक है, अगर 700 लोग हैं तो 700 में समथिंग मान के चलो आप 15-20 जितनी भी प्लाटून की होती हो वो घातक प्लाटून होती है। अब इनका मेन काम दोस्तों ये होता है, अगर कोई ऑपरेशन चलाना हो यूनिट लेवल पे, बटालियन लेवल पे नॉर्मल सा हो, तो वहाँ घातक का हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पैरा रेजिमेंट नहीं आती। पैरा रेजिमेंट मेनली सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आती है। ठीक है दोस्तों, इनकी भी काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग चलती है, काफ़ी चैलेंजेस से इनको गुजरना पड़ता है, काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इनकी भी काफ़ी रोड मार्च, बीपीटी, हर हथियार के बारे में नॉलेज वगैरह, हर चीज़ का इनको नॉलेज होता है। तो अगर मैं बात करूँ पैरा रेजिमेंट और घातक प्लाटून क्या सेम है, मैं सेम तो नहीं कहूँगा, काफ़ी अलग हैं, बट उनका जो पैरा रेजिमेंट है उनका मेनली सर्जिकल स्ट्राइक में यूज हम करते हैं, और जहाँ की घातक की बात करूँ तो जो नॉर्मल ऑपरेशन होते हैं वहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फ़र्क है मेनली। ठीक है, अगर हम बात करें कि आप इसमें कैसे जा सकते हो, तो मेनली आप जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है बेसिक एडवांस्ड कंप्लीट होने के बाद, कसम होने के बाद जब आप अपनी बटालियन में आते हो तो आप खुद वॉलंटियर हो सकते हो, खुद वॉलंटियर होके बता सकते हो कि मुझे घातक में जाना है, घातक प्लाटून में। वैसे हर कोई आना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग होती है, बट अगर आपके अंदर गट्स हैं और आप खुद में काफ़ी जुनून है तो आप डेफिनेटली आप जा सकते हो, खुद वॉलंटियर होगे, खुद जो घातक जेसीओ होता है वहाँ आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि मैं जाना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आपका बीआरओ उसमें हो जाएगा। ठीक है तो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, नॉलेज कुछ जरूर मिला होगा, जो आपके 2-3 मिनट हैं वो वेस्ट नहीं गए होंगे। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, प्लस वीडियो को शेयर कर देना। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत।